तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कौन से चैप्टर का आपका टॉपिक है? ये है 12th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां से ये टॉपिक लिया गया है। यहां हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो जो इवेंट्स होते हैं उसमें से सबसे पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन होना। जहां भी आपको जेनेसिस वर्ड दिखे ना, उसका मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना। सो गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स का क्या होना, फॉर्मेशन होना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब गैमीट्स का फॉर्म होना, एक बात याद रखो कि गैमीट्स हमेशा क्या होते हैं, आपके हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड का मतलब ये होता है कि देखो, हैप्लॉयड हम ना इस तरीके से लिखते हैं, एक किसी के पीछे n लिखा मिलता है, एक मिलता है 2n। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो पेयर में होते हैं हमारे पास में, जैसे 46 क्रोमोसोम हम में होते हैं। अगर जैसे उनको 23-23 बांट दें आपके पास में, तो 46 वाला तो कहलाएगा आपका डिप्लॉयड, क्योंकि उसके अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम है। और अगर सिंगल सिंगल को अलग कर दिया जाए, यानी 23 अलग कर दिया जाए तो वो कहलाते हैं हैप्लॉयड। यानी इस तरीके से मानो, हम क्रोमोसोम को किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर उसका हाफ, मतलब हाफ पार्ट प्रेजेंट है, तो वो कहलाते हैं हैप्लॉयड। इस तरीके से समझो, ठीक है। गैमेट्स का हैप्लॉयड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाइगोट, फिर देखो, जब दो गैमेट्स आपके मीट करेंगे, यानी दो गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा, तो 23 उसके 46 बन गए, यानी पूरा का पूरा सेट तैयार हो गया। और उससे फिर आगे बनता है जाइगोट, जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए गैमेट्स का हैप्लॉयड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर वो डिप्लॉयड हो गए तो कितना बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। उनका हैप्लॉयड होना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, खैर वो तो हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक है, अब यहां पर देखते हैं। अब टाइप ऑफ गैमेट्स, हमारे पास ना दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है आइसोगैमेट्स, और फिर मैंने लिखा हुआ है हेटरोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स यानी सेम तरीके के गैमेट्स, मतलब जिनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेम होती है, मतलब दिखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स या फिर होमोगैमेट्स। अब हमारे एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं होमोगैमेट्स के और हेटरोगैमेट्स के। तो होमोगैमेट्स का हमारे पास में जो एग्जांपल है वो है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एक एल्गी होती है, जिसके अंदर कैसे गैमेट्स मिलते हैं हमको, होमोगैमेट्स मिलते हैं या फिर आइसोगैमेट्स मिलते हैं। हेटरोगैमेट्स की बात करें तो हेटरोगैमेट्स हमारे पास प्लांट्स के अंदर भी मिलते हैं, और हम एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं। यानी हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी कैसे गैमेट्स मिलते हैं, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोगैमेट्स। तो अगर प्लांट्स की बात करूं तो फ्यूकस भी आपकी एक एल्गी ही है, और इसके अंदर कैसे गैमेट्स मिलते हैं हमारे पास में, हेटरोगैमेट्स मिलते हैं। यानी जो गैमेट्स दिखने में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। जैसे हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म की कैसी होती है, शेप अलग होती है, ओवम की अलग होती है। तो ठीक उसी तरीके से अब हेटरोगैमेट्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स की डिफरेंशिएशन होती है, जबकि होमोगैमेट्स के अंदर दोनों एक जैसे होते हैं। जिसमें से अगर हम ह्यूमंस की बात करें, यानी कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो उसके अंदर हम गैमेट्स को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें तो वहां पर मेल गैमेट्स को एंथीरियोजॉइड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हम एंथीरियोजॉइड बोलते हैं। वहीं पर अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर हम एग बोलते हैं, और प्लांट के अंदर हम ओवम बोलते हैं, या फिर एग और ओवम प्लांट्स के अंदर भी हम एग भी बोल देते हैं। ठीक है, हमारे पास में एग और ओवम वर्ड का यूज किया जाता है, पर जो एंथीरियोजॉइड है ये स्पेसिफिकली प्लांट के अंदर ही यूज किया जाता है मेल गैमेट के लिए। ठीक है, हमारे पास में तो फ्यूकस एक एल्गी है जिसके अंदर हेटरोगैमेट्स बनते हैं, और ह्यूमंस का साइंटिफिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो हमारे अंदर भी कैसे गैमेट्स बनते हैं, हेटरोगैमेट्स। ये तो थे गैमेट्स की शेप के बेस पे, यानी गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब दिखने के कैसे हैं हमारे। तो हमने दो टाइप के गैमेट्स पढ़ लिए, अब गैमेट्स के बनने की प्रोसेस पढ़नी है, तो ये भी पता होना चाहिए कि गैमेट्स कैसे कैसे होते हैं। देखो, उसके बाद में हम यहाँ पर दो टर्म्स की बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने तीन वर्ड लिखे हुए, तीन वर्ड बार बार हमें घुमाते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा होमोथैलिक, साथ में ही मैंने लिखा मोनोशियस, साथ में ही मैंने लिखा बाइसेक्सुअल कंडीशन।
तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपके कई बार लिखा मिलेगा मोनोशियस प्लांट, तो मोनोशियस प्लांट उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनके अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन मिलती है, मतलब कि जिस प्लांट के अंदर आपका जो मेल और जो फीमेल गैमिट्स होंगे वो एक ही प्लांट के ऊपर बनेंगे। मान लिया जैसे इस पे देखो, कोकोनट का जो प्लांट होता है यानी जो नारियल का हमारा प्लांट होता है, नारियल के प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल गैमिट्स एक ही प्लांट के अंदर बनते हैं, जबकि अगर आप पपीता यानी पपाया प्लांट की बात करो तो पपाया प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल प्लांट ही दोनों अलग अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग उगते हैं दोनों के दोनों, ठीक है हमारे पास में। तो हमारे पास में मोनोशियस कंडीशन को ही बाइसेक्सुअल कंडीशन बोला जाता है, वहीं पर डायोशियस कंडीशन को यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों एक ही के अंदर प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल यानी दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों टर्म बहुत उलझाती हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं मोनोशियस हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन को तो नहीं बोलते, क्योंकि मोनो का मतलब भी वन होता है और यूनि का मतलब भी सिंगल होता है, पर ऐसा नहीं होता। मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन और डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। अब मैंने एक होमोथैलिक वर्ड और लिखा हुआ है, होमोथैलिक, ये वर्ड हम ज्यादातर एल्गी के अंदर और ब्रायोफाइटा के अंदर यूज करते हैं। होमोथैलिक यानी एक ही थैलस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। क्योंकि एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर पूरा का पूरा प्लांट नहीं बना हुआ होता तो उनकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, इसीलिए मैंने वर्ड लिखा हुआ है होमोथैलिक। तो यानी कि होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन, ये तीनों के तीनों वर्ड क्या हैं आपके, एक ही हैं। और इनका मतलब क्या होता है, सेम प्लांट सेम ऑर्गेनिज्म, यानी दोनों के दोनों जो गैमेट्स होंगे वो एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही प्लांट के ऊपर बनेंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो कुकरबिट प्लांट और कोकोनट प्लांट, इनके अंदर आपकी मिलती है मोनोशियस कंडीशन, यानी एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो अर्थवर्म जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो टैपवर्म होता है, टैपवर्म हमारे पास में क्या होते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना टैपवर्म, एस्कलमेंथिस वगैरह हो गया आपके पास में, यानी इसको छोड़ो, मतलब टैपवर्म एक तरीके के कीड़े होते हैं हमारे पास में, ये बोल सकते हैं वर्म्स होते हैं। लीच हम पढ़ते हैं, अर्थवर्म और लीच तो आपकी एक ही उससे बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, एनालिडा है। तो यानी ये देखो कि जो अर्थवर्म है, स्पॉन्ज है, टैपवर्म है और लीच है, इनके अंदर क्या होता है, यानी अगर से ये इनको भूल भी जाए तो अर्थवर्म तो हमेशा याद रहेगा। तो अर्थवर्म यानी कि केचुआ जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर कौन सी कंडीशन मिलती है, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन। हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक अर्थवर्म के अंदर ही बनते हैं, यानी मेल और फीमेल अर्थवर्म अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। यानी एक अर्थवर्म ही होता है, कभी नहीं ये मेल अर्थवर्म है फीमेल अर्थवर्म, ऐसा नहीं होता, दोनों एक ही के अंदर ही होते हैं हमारे पास में, ठीक है। जबकि अगर कॉकरोच की बात करें तो मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है, ठीक है। फीमेल कॉकरोच का साइज बड़ा होता है, मेल कॉकरोच का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो यानी कि अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, इनके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन होती है। यानी हर्मेफ्रोडाइट यानी कि होमोथैलिक, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल कंडीशन, हर्मेफ्रोडाइट, इन सब का एक ही मतलब होता है कुल मिला के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हिट्रोथैलिक, यानी अलग अलग थैलस प्रेजेंट होंगे। डायोशियस कंडीशन हम इसको बोलते हैं, और साथ में इसी का ही नाम होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यानी तीनों एक ही के नाम है। अगर हम प्लांट की बात करें तो होमोथैलिक बोल सकते हैं, यहां पर हम इसी कंडीशन को डायोशियस प्लांट भी बोल सकते हैं और यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। यानी कि हिट्रोथैलिक मतलब अलग अलग, मान लिया अगर हम एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर थैलस वर्ड यूज करते हैं ना, तो यानी वहां पर क्या है आपका मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग प्रेजेंट है, उसमें एक ही प्रेजेंट था। तो हिट्रोथैलिक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऊपर आपके क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। इसके एग्जांपल आते हैं पपाया यानी जो पपीते का पेड़ होता है हमारा, डेट प्लांट, डेट यानी जो खजूर का पेड़ होता है हमारे पास में, ये तो हमारे पास में किसके हो गए, प्लांट्स के एग्जांपल। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कॉकरोच इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, कॉकरोच के अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन मिलती है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक डायोशियस ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है हमारे पास में।
अगर हम मेल फ्लावर को बोले तो मेल फ्लावर को नाम दिया जाता है स्टेमिनेट और फीमेल फ्लावर को नाम दिया जाता है पिस्टिलेट, क्योंकि मेल फ्लावर को स्टेमिनेट इसलिए बोलता है क्योंकि इसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होता है और स्टेमन रिप्रेजेंट करता है आपके मेल पार्ट को, और यहाँ पर फीमेल पार्ट जो फीमेल फ्लावर है इसके अंदर पिस्टिलेट बोलते हैं हम फीमेल फ्लावर को क्योंकि इसके अंदर पिस्टिल प्रेजेंट होती है और पिस्टिल रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है हमारे पास में। तो ये चीज मोनोशियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को कभी नहीं भूलना होता, ठीक है यहां तक की बात क्लियर होगी। अब मैंने बोला था कि गैमेट्स बनते हैं तो क्या होता है, मियोसाइट्स नाम के कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मियोसाइट्स क्या हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं। यानी कि जब जो मियोसाइट सेल्स हैं इनके अंदर जब मियोसिस होती है तब क्या बनते हैं हमारे गैमेट्स। अगर कोई पूछ ले कि कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर मियोसिस होकर गैमेट्स बनते हैं तो उन सेल्स को मियोसाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज और अलग से बता रखी है कि जो मोंड्रा होते हैं यानी आपके बैक्टीरिया, जो फंजाई होते हैं और जो ब्रायोफाइट होते हैं इनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉयड, ठीक है हमारे पास में। आपके पास में ब्रायोफाइटा एक प्लांट है, फंजाई अलग है और मोंड्रा अलग है, पर इनके अंदर मेन बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है। यानी कि ठीक है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है या हैप्लोडिप्लॉयड होती है, तो कैसी होती है, हैप्लॉयड। जबकि अगर आप टेरिडोफाइट की बात करो, जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार घुमा घुमा के पूछा जाता है कैसी प्लांट बॉडी होती है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है। यही पर ही हमारा गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक यानी गैमेट्स फॉर्मेशन का टॉपिक हो जाता है खत्म। इसके बाद हम करेंगे फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक, ठीक है।